हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम किचन कुकिंग। आज हम बनाएंगे कॉर्नफ्लेक्स के लड्डू। कॉर्नफ्लेक्स लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप कॉर्नफ्लेक्स, 1/4 कप कोकोनट पाउडर, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 4 टीस्पून पतंजलि भूरा शुगर, 1 टीस्पून देसी घी, 1/2 टीस्पून कार्डमम पाउडर, 1 कप मिल्क और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका हमें पाउडर बनाना है, मिक्सर में ग्राइंड करना है इनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्नफ्लेक्स लड्डू की रेसिपी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन में कॉर्नफ्लेक्स डाला है, 2 कप कॉर्नफ्लेक्स है। के बाद इसमें 1 कप मिल्क ऐड किया है। अब हम इसे ढक देंगे और 3 मिनट तक पकने देंगे, अच्छे से गलने तक। 2 से 3 मिनट तक हमने कॉर्नफ्लेक्स को सिम पर पका लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मैश करेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। कॉर्नफ्लेक्स अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे और 4 टीस्पून पतंजलि भूरा शुगर ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और डो की तरह रेडी करेंगे। कॉर्नफ्लेक्स का डो रेडी है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और उसके बाद लड्डू बनाएंगे। डो ठंडा हो चुका है। अब हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और इनको लड्डू का शेप देंगे। और इन्हें ड्राई फ्रूट्स के पाउडर में इस तरह कोट करेंगे। इसी तरह बाकी के लड्डू को भी हम ड्राई फ्रूट के मिक्सर में कोट करेंगे। सारे लड्डुओं को मैंने कोट कर लिया है ड्राई फ्रूट के मिक्सर में। अगर आप चाहें तो इसे कॉर्नफ्लेक्स के पाउडर में भी कोट कर सकते हैं और कोकोनट पाउडर में भी कोट कर सकते हैं। तैयार है हमारे कॉर्नफ्लेक्स के लड्डू।